और अब जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करने वाले नए नवेले सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से इस मौके पे क्या कहा गया, ये भी आपको सुनाएंगे। सीएम साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी और पासिंग आउट परेड के लिए सम्मानित किया, और यहाँ पे हमारे को डिसिप्लिन सीखने को मिला है बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में डिसिप्लिन इतना नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद हमें खाने से लेकर रहना सहना चलना फिरना हर चीज़ में डिसिप्लिन का अच्छा अनुभव हुआ है। मैं लेडी PSI मनीषा बैच नंबर 20 से पास आउट हुई हूँ आज। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आज यहाँ से पास आउट होके। हमें 17 महीने हो गए ट्रेनिंग करते हुए मधुबन में, बहुत बढ़िया अकेडमी है और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए आज एक खास दिन है क्योंकि 4 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में CM मनोहर लाल पहुंचते हैं और यहां पर पासिंग आउट परेड होती है जिसमें 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर पास आउट होते हैं जिसमें 380 पुरुष हैं वहीं 61 महिलाएं भी हैं। ये प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर पूरे हरियाणा से हैं और इनकी ट्रेनिंग करीब 1 साल तक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में होती है। वहीं पासिंग आउट परेड के दौरान CM मनोहर लाल ने उन प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को सम्मानित भी किया जिन्होंने इस ट्रेनिंग के दौरान अच्छा काम किया था। साथ ही साथ CM मनोहर लाल ने मन से पुलिस कर्मियों के लिए काफी घोषणाएं भी की जिसमें उन्होंने भत्ता काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर बात करें डाइट भत्ते की तो करीब 2.5 भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कन्वेंस अलाउंस की तो कांस्टेबल हैंड कांस्टेबल का जो कन्वेंस अलाउंस है वो 6 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले 120 रुपए मिलते थे अब 720 रुपए मिलेंगे। वहीं ASI सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को 1000 रुपए कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। वहीं DSP को पहले 5000 रुपए वर्दी भत्ते के तौर पर मिलते थे लेकिन अब हर साल 10000 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक बड़ी घोषणा ये भी की कि जो हरियाणा प्रशिक्षण अकादमी है वहां के कर्मचारियों को बेसिक पे पर 20% ज्यादा भत्ता मिलेगा। इन घोषणाओं के बाद काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर अब समाज के लिए थानों में काम करते हुए नजर आएंगे। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।